हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जो नई रेसिपी है वो है पालक पनीर। पालक पनीर की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ, तो प्लीज़ सृष्टि यूनिक वर्ल्ड चैनल में बने रहें और देखें कि पालक पनीर की रेसिपी आप लोगों के साथ किस तरीके से शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड प्लीज़ मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। और सबसे पहले हम जो लिए हैं वो है 2 टमाटर, 3 प्याज, 150 ग्राम पनीर है, ये पालक। तो फ्रेंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पालक पनीर रेसिपी। तो सबसे पहले ये 2 टमाटर का हम प्यूरी बनाएंगे, ये 3 प्याज का भी प्यूरी बनाएंगे। तो इस पालक को हम पहले 5 मिनट तक बॉईल करेंगे और इसको प्यूरी बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड। फिर से मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि इस पालक को मैं 5 मिनट तक बॉईल करूँगी और इसका प्यूरी बनाऊँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग इस वीडियो पे बने रहें, फॉलो करें, देखें मैं क्या क्या मसाले इसमें डाल रही हूँ। तो फ्रेंड इसको प्यूरी बना के, इसका प्यूरी बना के और इसका प्यूरी बना के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे। तो देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पर 3 प्याज का प्यूरी बना ली हूँ और यहाँ पर लहसुन और आदि का पेस्ट बना ली हूँ और यहाँ पर 2 टमाटर का पेस्ट बना ली हूँ और ये मेरा 150 ग्राम पनीर है, स्क्वायर शेप में कटा हुआ है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। और मेरा यहाँ पर पालक प्यूरी हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर काली मिर्च और जीरा का पेस्ट है, ये जीरा छौंका के लिए है, तेज पत्ता और एक लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और यहाँ पर नमक, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, और यहाँ कश्मीरी शिमला मिर्च। फ्रेंड तो हम कढ़ाई बैठाए हैं और अब इसमें तेल डालेंगे, हल्का सा हम लोग पनीर को फ्राई करेंगे। आप नहीं भी फ्राई कर सकते हैं लेकिन मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि पनीर का कच्चापन खत्म हो जाए। पनीर फ्राई होने के लिए मैं तेल डाली हूँ, एकदम हल्का सेलो फ्राई, एकदम हल्का मैं करूँगी, ठीक है फ्रेंड। देख सकते हैं मेरा तेल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ये पनीर डाल के एकदम हल्का सा फ्राई करूँगी। तो देखिए पनीर हो गया है फ्राई, देखिए हल्का पनीर फ्राई किए हैं हम, और अब इसको मैं निकालूँगी। पनीर आपका कड़ा ना हो इसके लिए आप गर्म पानी में भी डाल सकते हैं। तो मैं डाल रही हूँ, पालक को जो बॉयल की थी वो थोड़ा सा पानी मेरा रह गया था, तो मैं अब इस पालक के पानी में इस पनीर को डाल दूँगी ताकि मेरा पनीर जो है वो सॉफ्ट रहे। तो मैं देखिए मैं ये निकाल चुकी हूँ और अब मैं इस तेल में डालूँगी जीरा। जीरा थोड़ा चटक जाए उसके बाद मैं डालूंगी तेज पत्ता और मैं एक लाल मिर्च डाल रही हूँ। देख सकते हैं मैं लहसुन का इसमें अब पेस्ट डालूंगी। लहसुन और आदि का पेस्ट डाली हूँ, ये प्याज डालूंगी। प्याज के जब मेरा प्याज और लहसुन आदि का पेस्ट अच्छे से भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। इस तरीके से पालक पनीर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और फ्रेंड सच मैं बता रही हूँ, अगर आप खाना जितना सिंपली बनाइएगा उतना ही टेस्टी बनता है। तो देखिए फ्रेंड मेरा प्याज, लहसुन और आदि का जो पेस्ट था वो अच्छे तरीके से भुन जा चुका है, देखिए। और अब मैं इसमें सारा मसाला डालूँगी। इसमें गया जीरा और काली मिर्च का पेस्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक, अपने स्वाद अनुसार नमक डालिए, और ये लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, और इसका ये पालक का जो थोड़ा सा पानी था ये थोड़ा सा डाल के मैं इसको अच्छे से 1 मिनट तक पकाऊंगी। उसके बाद टमाटर का जो प्यूरी है मैं इसमें ऐड करूंगी। और देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं इसमें तेल भी बहुत कम डाली थी पालक पनीर में। आप घर में ज़रूर इसको एक बार ट्राई करके देखें, ये आपके, आपके बच्चे, पूरे परिवार के लिए हेल्दी है और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स भी है, जैसे कि आपका पालक हुआ बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, पनीर भी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें टमाटर प्यूरी ऐड करूँगी और अब मैं इसको अच्छे से भूंजूँगी जब तक ये
तेल नहीं छोड़ देता। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी पालक प्यूरी, जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट्स है, पालक और पनीर। तो मेरे वीडियो को शेयर करें फ्रेंड, ताकि ये रेसिपी सब लोग ट्राई कर सकें। तो देखिए फ्रेंड, मेरा मसाला भुंजा चुका है, मैं अब इसमें प्यूरी डालूंगी। मैं इसमें प्यूरी डाली, पालक प्यूरी। देखिए मैं अब इसको धो ली हूँ, और धो के अच्छे से इसमें डालूंगी। मैं इसमें पालक प्यूरी ऐड कर चुकी हूँ, देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अब ये खोल जाएगा, तो मैं इसमें डालूंगी इस पालक का एक अधूरा जो मिसिंग है, वो है पनीर। जब मैं इसमें डालूंगी पनीर, तो मेरा पालक पनीर हो जाएगा रेडी। और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है, और खाने में भी बहुत टेस्टी। तो फ्रेंड, मैं इसमें ना गरम मसाला डाली हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, जितना सिंपल बनाइए खाने को उतना ही टेस्टी होता है। मैं इसमें गरम मसाला ऐड नहीं की हूँ, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड प्लीज़, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करें, और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पालक से जुड़ी कोई भी रेसिपी अगर आपको जाननी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं ज़रूर वो रेसिपी लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगी। तो मेरे चैनल पे इसी तरीके से हर रोज़ बने रहें, मैं हर रोज़ छोटा छोटा वीडियो लेकर आऊँगी। और मैं अपनी गुड़िया को दिखाना था आप लोगों को, भूल ही गई, मैं तो हर रेसिपी में अपनी गुड़िया का छोटा सा वीडियो तो ज़रूर डालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं अपनी सृष्टि से आप लोगों को मिलाती हूँ। हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। मम्मा का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगता है ना? प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, नीचे वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। टप टप, मैं जा रही हूँ पढ़ने, तो मम्मा आपको रेसिपी दिखाएगी। ओके बाय। पालक प्यूरी अच्छे से खोल चुका है, और अब मैं डालूंगी इसमें पनीर। ये देखिए, पानी के साथ ही आप डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पालक का बॉयल किया हुआ पानी था, मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, इसलिए इसमें डाल दी। और अब इसको फ्रेंड, पालक भी पहले से पका हुआ है, और पनीर को पकाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो मात्र 10 मिनट हम पकाएंगे और आपको। देखिए मेरा पालक पनीर रेडी हो चुका है, तो मैं अब इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। मेरा पालक पनीर बनके रेडी हो चुका है, और मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पनीर क्रश किया हुआ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड, मुझे इस तरीके से पनीर क्रश किया हुआ पालक पनीर बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए मैं, आप लोग नहीं भी डाल सकते हो। देख सकते हो मेरा पालक पनीर कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूले फ्रेंड। मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, घर में रहें और सुरक्षित रहें।